हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RSR पेंटिंग्स। तो आज हम पेन हैचिंग करेंगे, पेन स्केचिंग करेंगे। ये आपको सीन दिख रहा होगा, ये सीन एक विलेज का है और ये फ़ोटो मैंने गूगल से लिया है, गूगल पे से लिया है। और इसमें दिख रहा होगा आपको कि एक बूढ़ी महिला बैठकर रोटी बना रही है, अपने घर में है, अपने रसोई में है और वो खाना बना रही है। तो ये डेली लाइफ एक्टिविटी है और ये विलेज का है और काफ़ी सुंदर तस्वीर है, तो इसे हम आज पेन हैचिंग करेंगे। तो पेन को बिल्कुल सॉफ्ट पकड़ना है और फिर ड्रॉ करना है और बिना डरे हुए। मैं हमेशा कहता हूँ डर को साइड में रख के उसके बाद ड्राइंग करना है, खास करके जब आप प्रैक्टिस वर्क कर रहे हों या पेन हैचिंग कर रहे हों, मतलब कोई लाइट मीडियम में काम कर रहे हो। कहने का मतलब जैसे कि आप अगर एक्रेलिक में काम कर रहे हो या फिर कोई भी कॉस्टली कलर में काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा मतलब समझ में आता है कि हाँ थोड़ा वहाँ पे कि समझ के काम करना, बर्बाद नहीं करना है। लेकिन जब यहाँ पर एक पेन और पेपर है तो फिर क्या टेंशन है, आप आराम से काम कीजिए। गड़बड़ होगा तो दोबारा काम कीजिए, उसे सुधारिए, कोशिश कीजिए कि गड़बड़ हो ही ना। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट ही किए हैं, जो आज तक कभी पेन हैचिंग नहीं किए हैं या फिर स्केच बहुत कम करते हैं, तो उनसे तो मिस्टेक होगा। तो उसके लिए है कि आप रेगुलर वर्क मतलब करते रहें, पिक्चर को अच्छे से देखना है, समझना है और फिर जहाँ जहाँ पर जो चीज़ है बस अप्लाई करते रहना है। देखिए मैं फ्री हैंड काम कर रहा हूँ, ना कि ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम मुझे पसंद नहीं आता। ग्रिड सिस्टम से तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है। आप देखकर समझिए, मेजरमेंट आपको समझना होगा। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल रैपिड स्केच कर रहा हूँ, अगर समझे तो, आप स्पीड में कर रहा हूँ, क्विक स्केच कर रहा हूँ, उतना टाइम नहीं देकर बस स्केच करते जा रहा हूँ। आउटलाइन कर रहा हूँ अभी फिलहाल, उसके बाद जब हैचिंग करूँगा तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन स्केच जो किया मतलब क्विक किया, जल्दी किया। फिगर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे कि हैचिंग करेंगे। तो हैचिंग हमेशा मैं कहता हूँ डार्क टू लाइट, मतलब सबसे पहले डार्क एरिए को पहचानिए, उसके बाद फिर लाइट की ओर धीरे धीरे बढ़िए, तो आपका फिगर कंप्लीट होते जाएगा। हैचिंग जहाँ पर आपको लग मतलब बहुत ज़्यादा डार्क जहाँ पे करना हो, तो सिंपल है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डार्क एरिया को अगर आपको कवर अप करना है तो उसके लिए लाइंस को करीब रखिए, नज़दीक रखिए, और फिर ज़्यादा हैचिंग कीजिए उस पर, मतलब क्रॉस हैचिंग कीजिए, एक लाइन पे दूसरे लाइन को अलग डायरेक्शन से गुजारिए, तब वो एरिया डार्क हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर ऐसा नहीं कि डार्क करने के लिए सिर्फ आप उस पर बुकड़ दें, मतलब पेन पे पेन डायरेक्ट चलाकर डार्क करें, वो नहीं मैं कह रहा। हैचिंग करके आप डार्क कीजिएगा और फिर उस तरीके से डार्क कीजिएगा, तो दोनों में अंतर है। क्वालिटी यही है कि आप हैचिंग करके डार्क करें। हाँ, पर कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पर आपको शायद
हो सकता है कि पेन पे पेन चलाना पड़े तो एरिया को डार्क करने के लिए, जो कि मतलब बहुत पतला लाइन है तो वहाँ पर करना पड़ता है। जैसे कि अगर बैंगल्स बनाना है तो बैंगल को डार्क दिखाना है तो वहाँ पर तो आपको उस तरीके से करना होगा, लेकिन बाकी एरिया में तो आपको हैचिंग करना है। बस सब कुछ अब कंप्लीट है, अगर कहीं कुछ बाकी है तो थोड़ा करूँगा मतलब काम। आपको करना क्या है, अगर आपको लगे कि हर एक चीज़ कंप्लीट हो गया, सही हो गया, तो फिर भी एक बार पीछे थोड़ा हटकर एक बार जो आप बनाए उसे देखना है, थोड़ा पीछे हटकर। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ छूटा हुआ है, तो उस पर काम करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो जो एरिया को थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करना है मुझे अभी पता चल रहा है, तो उसे मैं डार्क कर ले रहा हूँ वहाँ पे, और हैचिंग कर दे रहा हूँ और उससे वो डार्क हो जाएगा। बाकी बस अब ये कंप्लीट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि आपके YouTube पर इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।